थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो था वर्स्ट फूड फॉर द हार्ट। आज आपको बताने वाला हूँ 10 बेस्ट फूड फॉर द हार्ट। हार्ट के मरीज हों या आप ना हों, हार्ट की बीमारी से हर कोई बचना चाहता है, तो कौन से ऐसे खाने खाएं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसे 10 खाना का नाम बताऊंगा जो आपको खाना चाहिए अगर हार्ट को बचाए रखना है, अगर फ्यूचर में हार्ट की बीमारी नहीं चाहते हैं, हार्ट अटैक से वो बचना चाहते हैं। तो पहला खाना है हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं बेरीज, अंगूर है, जो काले अंगूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपको मालूम है हमारी कोलेस्ट्रॉल पहले ऑक्सीडाइज्ड होती है फिर जाके डिपॉजिट होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट जिस भी खाने में होगा वो आपके हार्ट के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए काले जो ग्रेप्स होते हैं या डार्क कलर के जो ग्रेप्स होते हैं, पर्पल कलर के, वो सबसे बढ़िया खाना माना जाता है अगर हार्ट को सेफ रखना है। तो दूसरा है हाई फाइबर फूड, जिस खाने में फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर क्या होता है, आप एप्पल खाते हैं देखें दांत में अटक जाती है, वो फाइबर है। फाइबर किस किस खाने में होता है, सबसे ज़्यादा फाइबर वाला जो खाना है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइबर के वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा है, ब्लड प्रेशर कम करता है। तो कौन से हाई फाइबर फूड होते हैं, सबसे अच्छा होता है एप्पल विद स्किन, एप्पल छिलके के संग अगर एप्पल खाते हैं तो वो अच्छा है। नाशपाती में बहुत फाइबर होता है, जो रसबेरीज बोलते हैं और स्ट्रॉबेरीज बोलते हैं, इसमें काफ़ी फाइबर होता है, काफ़ी क्वांटिटी में होता है। और इसबगोल आप जानते हैं, इसबगोल बहुत आदमी खाते हैं, उससे भी बहुत हाई फाइबर जा सकता है। तो ये हाई फाइबर फूड आपको खाना चाहिए। नंबर 3 है सलाद्स। जितने तरह के सलाद हैं आपको माल बता दूं, सलाद में क्या क्या आप जानते हैं, पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गया, और खीरा हो गई, टमाटर हो गई, ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। स्पेशली दोस्त जो मोटे हैं उनको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में सलाद खाना चाहिए। तो सलाद हमारे फाइबर भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, मिनरल भी देता है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है, वजन भी कम करता है, तो इसलिए 3rd में मैंने रखा है सलाद्स को। 4th नंबर में रखा है फ्रूट्स एंड जूसेस। जो भी फ्रूट आप खा सकते हैं, चाहे ऑरेंज हो, चाहे पपीता हो, चाहे एप्पल हो, चाहे अनार हो, ये सारे फ्रूट्स हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और उसके जूसेस भी लेंगे तो भी उतना अच्छा नहीं, पर अच्छा है। जूस भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें मिनरल हमारे बॉडी में जाती है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट जाती है। तो जितने तरह के फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वो बहुत अच्छी है। 5वां नंबर है ओट्स। आप जानते हैं ओट्स क्या होता है, ओट्स जई होता है, और आजकल ओट मील खूब चलती है, तो ओट मील बहुत अच्छा माना जाता है हार्ट के लिए। 6ठा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें हम लोग बोलते हैं सलगम है, स्पिनच है, पालक है, या ब्रोकली आजकल बड़ा चलता है, ये सारे सुपर फूड माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, फाइबर भी होता है, तो ये आपको खाना बहुत ज़रूरी है। 7वां है स्प्राउट्स है, अंकुरित दालें हैं, लेंटिल्स है, जैसे राजमा है, किडनी बीन्स है, और जो छिलके वाले दालें हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये 7वां नंबर है। 8वां है होल ग्रेन आटा, आटा खाना चाहिए। गेहूं का जो छिलका है उसको हटाना नहीं है, उसको साथ रख के ही बनाना है आटा। तो आटा में जो कवर है उसको हटाना नहीं, आटा को पीसने के बाद उसको अगर कवर हटा दिया जाए तो मैदा हो जाता है। तो आटा विद चोकर होना चाहिए, जो ओरिजिनल आटा है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और उसमें आप थोड़े बहुत लीफी वेजिटेबल मिला लिया तो बहुत बढ़िया। तो आप रोटी में अगर कुछ पालक या इस तरह के पत्ते वाली सब्जियां मिला लेंगे तो बहुत हेल्दी हो जाता है हार्ट के लिए। अब आता है लो फैट मिल्क, जो स्किम्ड मिल्क बोलते हैं हम लोग, सेपरेटा दूध बोलते हैं, वो हार्ट के लिए अच्छा है। और सोया की मिल्क, अगर लो फैट सोया मिल्क लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो मिल्क अगर आपको चाहिए हेल्दी के हिसाब से तो लो फैट सोया मिल्क और लो फैट मिल्क, और उनके आप टोफू भी बना सकते हैं, वो भी बहुत काम की है। और लास्ट जो बहुत अच्छी ड्रिंक है हार्ट के लिए वो है ग्रीन टी, अर्जुना टी, अर्जुन का छाल का जो चाय बनता है वो बहुत अच्छा है। ग्रीन टी आप जानते हैं आजकल बाजार में मिलता है, वो भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत सारे हीलिंग पावर होती है उनमें। तो ये 10 फूड आप याद रखिएगा, ये अगर आप खाते हैं आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो सारे लोग आज ये लिस्ट बना लीजिए और हर दिन कोशिश करें इनमें से 3-4 चीज़ तो लेना ही है। आप हार्ट मजबूत को रखेंगे तो ज़िंदगी आगे जिएंगे। आज आपको मैं बता दूं 30% अननेचुरल डेथ्स हार्ट के लिए हो रहा है, सारे डेथ जो
छोटे होते हैं उसमें से 30% डेथ हार्ट से होता है और सारे अननेचुरल मानते हैं हम इनको, तो आप उनसे बचे रहें। मेरा नाम डॉक्टर बिमल चाजड़ है, सावल हार्ट सेंटर हम चलाते हैं, इंडिया भर में 100 सेंटर है हमारा, बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी से खान पीन रहन सहन से हम लोग हार्ट की बीमारी को ठीक करते हैं। हमारा एक चैनल है ज़ीरो ऑयल कुकिंग का, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कभी भी कोई हार्ट का मरीज़ हो उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिए हमारे वीडियोस। आज यहीं पे रोकते हैं, इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू सो मच।